हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान थिएटर में रिलीज हुई है। तो आखिर ये मूवी सिनेमाघरों में कैसा कमाई कर रही है और क्या ये मूवी ऑडियंस को पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है? तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सलमान खान की मूवी ईद के दिन रिलीज होती है और भाई का यह कहना है कि वो लोग फैंस को ईदी देते हैं। तो इसी परंपरा को सलमान खान ने आगे बढ़ाते हुए ईद के एक दिन पहले मूवी रिलीज की, जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। अब देखो, मूवी में कई सारी कमियां थी और मूवी के कुछ अच्छी बातें भी थी। पहले बात करते हैं मूवी के कुछ कमियां के बारे में। देखो, सबसे बड़ी मूवी की कमी ये थी कि ये मूवी एक रीमेक है। अब देखो, मैं वैसा बंदा हूँ जो कि रीमेक से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस रीमेक को भी अच्छा से बनाया जाए तब मुझे वो रीमेक पसंद आती है। अब ऐसा नहीं है कि कैश ग्रैब करने के चक्कर में कोई भी मूवी बना लो, ऐसा करोगे तो फिर मूवी कैसे चलेगी। हाँ, तो आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि ये मूवी एक रीमेक है साउथ की वीडियो मूवी की। इसका मतलब ये है कि आप में से कई लोग इस मूवी की स्टोरी को पहले से ही जानते हो, और अगर आप स्टोरी जानने के बावजूद इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो वो तो सिर्फ सलमान भाई के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने फेवरेट स्टार की मूवी थिएटर में देखने के लिए जा रहे हो और उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, तो जैसे कि आपने इस मूवी को देखा होगा तो आपको इसको स्टोरी देख कर ये पता चल ही गया होगा कि मूवी की स्टोरी में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि एकदम माइनर है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन चेंजेस को भी इसलिए किया गया है ताकि ये मूवी हिंदी में अच्छे से अडेप्ट हो सके। देखो, मैं मूवी की स्टोरी को बुरा नहीं कहूंगा, मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक डिसेंट वे में अच्छे से अडेप्ट किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इस मूवी के स्क्रीन प्ले, जो काफी ज्यादा स्लो फील हो रहा था मुझे, और इस मूवी के डायलॉग्स वगैरह। भाई, इतने ज्यादा क्रिंजी डायलॉग मैंने आज से पहले सिर्फ क्यारके के मूवी में ही सुना है। मतलब देश में है दम, वंदे मातरम, जबकि वहाँ पर देश की बात ही नहीं हो रही। इस डायलॉग को मूवी में 3 से 4 बार कहा गया है और हर बार इस डायलॉग को अलग अलग तरह से कहा गया है। मतलब एक बार कहा गया इंसानियत में है दम तो वंदे मातरम, मतलब यार डायलॉग के ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते थे। इतना टट्टी डायलॉग तो नहीं होना चाहिए था इस मूवी का, क्योंकि इस मूवी के स्टार सलमान खान है जो की बॉलीवुड के सुपर स्टार है। दूसरा चीज जो मुझे इस मूवी का बहुत ज्यादा बुरी लगी वो था मूवी में सीटियां बजाना। मतलब यार, इस मूवी के मेकर्स को पहले से ही पता था कि थिएटर में कोई भी सीटियां नहीं बजाने वाला है, तो इसीलिए मूवी में सलमान भाई के लिए ही पहले से ही सीटियां का इंतजाम कर दिया गया। और एंडिंग में वो वाला सीन तो बहुत ज्यादा ही क्रिंजी हो गया था, जब सलमान खान अधमरा पड़ा हुआ था और पूरा मोहल्ला उनके लिए सीटी बजा रहा था और भाई के अंदर जान आ गया अचानक से एकदम, तौबा, सारा मूड खराब हो गया था इस सीन को देखकर। तीसरी गलती जो कि नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी इस मूवी में था वो चीज, वो था सलमान भाई को शुरू से एकदम मूवी में बुढ़े टाइप का दिखाया गया है। मतलब मैं उनको बुढ़ा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, शुरू में वो एजेड टाइप के लगते हैं, लेकिन एंडिंग के फाइट सीन में उनको एकदम डीएजिंग कर दिया गया है और वो एंडिंग में एकदम जवान लगने लगते हैं। शाहरुख खान वाला जवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल मतलब यंग लगने लगते हैं। अब जब इस सीन को मैंने ट्रेलर में देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें सलमान खान की बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, लेकिन मूवी देखकर ये पता चला साला ये तो एकदम लास्ट का सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स पूरे मूवी में ही सलमान खान के ऊपर डीएजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले थे, लेकिन क्योंकि डीएजिंग टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पैसा लगता है तो इसीलिए उन्होंने इसका सिर्फ एंडिंग में ही यूज किया, जो कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा ही नोटिस हो रही थी। इसके बाद इस मूवी के जो एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो काफी ज्यादा खराब टाइप की थी। मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि सलमान खान की इस मूवी में परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा पसंद आया, बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग लगी। और इस मूवी का विलन भाई, मतलब उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ विजेंद्र सिंह के बारे में। देखो, मैं उनको कोई भी हेट नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है और उन्होंने बॉक्सिंग में कई सारे मेडल भी हमारे देश को दिलाया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मैं बस यही कह रहा था कि भाई साहब आप किस लाइन में आ गए, मतलब यार उनकी एक्टिंग तो एकदम नहीं हो रही थी। अब कमियां तो मैंने बहुत ज्यादा ही गिना दी है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी की अच्छाई के बारे में कि इस मूवी में मुझे क्या पसंद आया। देखो, सबसे पहले जो मुझे इस मूवी में पसंद आया वो था सलमान खान का परफॉर्मेंस। टॉप नॉच तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ओके मुझे उनकी परफॉर्मेंस, सलमान खान के भाइयों के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाया गया था वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसके लिए मैं उनको फुल मार्क्स देना चाहूंगा। तीसरी चीज जो मुझे इस मूवी में काफी पसंद आई वो थी इस मूवी का एक्शन। मुझे पता है कि मुझे इस बात से कई सारे लोग डिसएग्री होंगे, लेकिन मुझे इस मूवी का एक्शन अच्छा लगा। मतलब एक्शन एकदम ओवर द टॉप होकर नहीं था, एक्शन एकदम नॉर्मल और ब्रूटल था। और अगर आपको इस मूवी का एक्शन पसंद नहीं आया तो भाई, साउथ की मूवी में भी ऐसा ही एक्शन होता है, तब तो आप कुछ नहीं कहते हो जब साउथ की मूवी में ऐसा एक्शन दिखाया जाता है। इसीलिए मुझे इस मूवी का एक्शन ठीक ठाक लगा। इसके साथ ही इस मूवी में कई सारे साउथ के एक्टर्स ने भी काम किया है। अब ये चीज मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये इंडियन सिनेमा के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर साउथ और बॉलीवुड ऐसा ही मिलकर काम करेंगे तो इसका असर हमें बॉक्स ऑफिस के साथ साथ मूवीज में भी देखने को मिलेगा और हमें फ्यूचर में यूनिक कंटेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, तो मूवी की ये थी कुछ कमियां और अच्छाई। अब बात करते हैं इस मूवी के कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने कितना ज्यादा कलेक्शन किया है और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का क्या हालचाल है। तो बात करें अगर इस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने फर्स्ट डे को 15 करोड़ की कमाई की थी, जो कि अभी बॉलीवुड के सिचुएशन के हिसाब से काफी अच्छी कमाई है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें सलमान खान की दूसरी मूवी जो कि ईद के दिन रिलीज हुई है, तो फिर भाई मामला काफी ज्यादा टाइट है, क्योंकि सलमान खान की ही पिछली मूवी भाड़ा जो कि ईद के समय ही रिलीज हुई थी और इसने अपने पहले दिन पर 42 करोड़ की कमाई की थी। मैं स्क्रीन पर एक पिक डाल दे रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि सलमान खान की कौन कौन सी मूवी ने पहले दिन पर कितना कितना कमाई किया है। तो हाँ, इस हिसाब से पहले दिन की कमाई मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी। अब बात करेंगे इस मूवी के दूसरे दिन की कमाई की, तो दूसरे दिन इस मूवी ने 24 से 26 करोड़ की कमाई की है, और जो कि एक अच्छा नंबर है। और दूसरे दिन इस मूवी ने अच्छा ग्रोथ किया है। इसको ग्रोथ को देख कर ये तो समझ में आ गया है कि ये मूवी 100 करोड़ कमा लेगी। बाकी हाँ, मुझे पता है कि इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा एवरेज थी और इस मूवी को लोगों का काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन देखते हैं इन सभी नेगेटिव बातों के बावजूद इस मूवी की कितनी कमाई होती है। बाकी अगर आपको इस मूवी का फुल रिव्यू चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा।
होगा, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हो। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।